नमस्ते, मैं जानवी झा, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। आज का विषय है टैपिंग अपने चक्रा पे। देखिए, हम कहते हैं कि हमारे चक्रा हमें शो नहीं हो रहा है कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, या हम कर नहीं पा रहे, उस पे फोकस नहीं कर पा रहे। कल जैसे मैंने आपको ताली द्वारा बताया था अपने आप को किस तरीके से फिट रखने का, आज टैपिंग द्वारा अपने चक्रा पे किस तरीके से उस पर फोकस किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा रिमेम्बर करिए, रखिए भी इस चीज़ को, जो आपका हैंड्स होना चाहिए, इट शुड बी अ सॉफ्ट। और टैपिंग जो करना है, या तो हमारे थ्री फिंगर्स से या तो टू फिंगर्स से हम करेंगे। पूरा हाथ लेके इस तरह नहीं करेंगे, या तो हम टू फिंगर या तो थ्री, लाइक दिस, इस तरह से हम करेंगे। हमें अपना इमोशन, जैसे कुछ भी, कोई भी हमारा जो चक्रा है, हम कह रहे कि हमें हमारा हो नहीं रहा, ध्यान नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे चक्रा कैसे एक्टिव हो। देखिए, ये एक माध्यम है जो हम कर ट्राई कर सकते हैं। ट्राई क्या, आप मेरे साथ करिए उस जगह पे टैपिंग, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसको करिए आप, फिर आप खुद फील करेंगे। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो हम शब्दों में जितना बोले उतना कम है, जिसको हम महसूस ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा होता है। बोलना शायद शब्द उसका कम पड़ जाता है, महसूस ज़्यादा होता है। फिर मैं आपको कल जो एक बंदे का व्हाट्सएप पे कॉल तो नहीं, क्वेश्चन आया था, उसका भी मैं आंसर दूंगी। फर्स्ट हम करेंगे, अब मैंने कहा ना, पहले हमारा हाथ सॉफ्ट होना चाहिए। हमेशा कोई भी काम कर रहे हैं या हाथ धो के आ रहे, क्रीम लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए। हमेशा आप, जितना आपका हाथ सॉफ्ट रहेगा उतना ज़्यादा हमारी किस्मत भी बदलती है। जितना सॉफ्ट उतनी हमारी अच्छी किस्मत, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि आप देखिएगा, सॉफ्ट हैंड हमेशा अच्छा ही माना गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो हम हाथ को है, हम रब करेंगे इस तरीके से। जो करते हैं उनको खुद ही फील होगा कि जब हम इसको रब कर रहे हैं तो कितना ठंडा सा फील होता है, ठंडा सा, बहुत बहुत। आप, मैंने कहा ना, जब प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्योंकि इसको वर्ड्स में या शब्दों में हम नहीं बता सकते कि कैसा फील हो रहा है। शायद ठंडा मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन जो एक बहुत प्यारा प्लेजेंट सा ठंडापन है, वो हाथ में आता है। ऐसे इसको करिए, इस तरह से 10 बार कर लीजिए, 20 बार कर लीजिए, करिए। फिर हार्ट चक्र, आप इसको करिए। फिर आपको तो जो ध्यान करने के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है कहाँ कहाँ पे टैपिंग करना है। आप उस अगर टैपिंग करिए। फिर कोई कहते हैं हमें हमारा थर्ड आइज पे फोकस नहीं हो रहा, कुछ भी, इस पे भी इसको करिए। देखिए, टैपिंग के बाद मैं एक चीज़ और बताती हूँ, आप कम से हाफ एन आवर करिए। जब टैपिंग आपने कर लिया, कई लोग कहते कि नहीं, हमें कुछ ज़्यादा फो नहीं हो रहा, क्योंकि किसी भी चीज़ पे करोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि कैसा फील हो रहा है।
आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी फिंगर है, फिंगर को आप ये देखिए, ये है ना, इसको एकदम टच नहीं करना। आप जो थर्ड आइज पे कुछ फोकस करना चाहते हैं तो इसको नहीं करिए, इसको सिंपल इसको एक मीटर, मतलब एक मीटर पर क्या, एक थोड़ा सा डिस्टेंस पे आप इसको गोल गोल घुमाओ। आइज क्लोज करिए, गोल गोल घुमाइए एटलीस्ट 5 टाइम, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स करेंगे, आपको समझ में आएगा कि कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। एक बार में तो नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करिए, करते जाइए, आप विद इन वीक आपको समझ में आ जाएगा। टैपिंग से उस समय समझ में आ जाएगा, आप जब करेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए क्या है, बोलना हमारा काम है, आपको समझना, आपको फील आपको करना है, आप जब करेंगे तभी तो समझ में आएगा। बिना किए तो देखिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, जो करते हैं उनको समझ में आता है उन्होंने क्या बोला या किसी ने क्या बोला। कुछ तो बस 2 मिनट में करना चाहते हैं और 2 सेकंड करना चाहते, 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड करना चाहते, अरे कुछ समझ नहीं आया। अरे ऐसे होता है क्या, क्या क्लास में या बुक को एक बार रीड करने से याद हो जाता है क्या? नहीं होता। करेंगे तब जानेंगे। इस चीज़ को आप समझो, समझिए तब बोलिए। क्योंकि कई लोग क्या, मुझे कई फालतू के कॉल्स करते हैं और फिर बोलते हैं अरे ऐसा होता है वैसा होता है, अच्छा ये बताइए आपका, आपने क्या क्या पाया ध्यान से, आपने, अरे ध्यान में क्या पाया, ये बताने वाली बात होती है? ये तो अपने में मगन रहने वाली बात है, हमें किसी को शो करना या समझाना नहीं, हमें से हम बता रहे हैं, हम रास्ते कहते हैं ना, एक राहगीर है चल रहा है, उसको रास्ता थोड़ा बता दिया, उसका उंगली पकड़ के हम पूरे वो घर के अंदर छोड़ के, ऐसा नहीं है, राहगीर है या हम उसको रास्ता बता रहे कि उस रास्ते जाइए तो आपको वहाँ वो मिलेगा। गुरु आपको पकड़ उंगली पकड़ता है और आपको वहाँ तक पहुँचाता है, ये है, ये सच्चाई है। टैपिंग आप करिए, आप खुद भी देखिए क्या, मैंने तो बहुत, अगर मैं टैपिंग करूँगी 10-10 मिनट्स तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। बस मैंने आपको बता दिया किस किस जगह पे आप करेंगे। इस तरह से जब आपको ठंडा सा फील होने लगे, बहुत आप, मैंने कहा ना वर्ड्स नहीं है मेरे पास, इसको जब करोगे जो एक ठंडा सा आपको फील होगा तब आपको पता चलेगा। और कल का जो क्वेश्चन है, किसी ने कहा कि मैम अब तो मंदिर जाना नहीं होता, ढोलक की थाप सुनाई नहीं देती या कुछ नहीं है, अरे हमारा मुंह तो है, गा तो सकते हैं, कहते गा सकते हैं, अरे टेबल है, टेबल भी हम टेबल बजा सकते हैं, नहीं है तो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी है जिस पे हम आराम से कोई भी धुन बजा सकते हैं, हमारी बॉडी आराम से। सिंपली आप बैठिए, देखिए आप अपने घुटने और अपने पाँव पे, दोनों पे ताल मार के आराम से देखिए, सुनिएगा, तुम्हारे दर जो सवाल आया, माँ दुर्गे तुमने गले लगाया। बज गया, पाँव है, हमने किसी और चीज़ को नहीं, हमारी ही बॉडी है, उसमें मस्त हो जाइए, बजा गा गाइए, बजाइए और मस्त हो जाइए। क्योंकि देखिए मस्त होना यानी खुशहाल लाना, खुशियाँ तभी आती है जब हम मस्त होते हैं। क्योंकि किसी से किसी क्या बोल रहा है, कोई हमें कोई परवाह नहीं, हम खुश अपने लिए, खुश होना भी तो है अपने लिए, हम खुश हैं तो सारा जग खुश है और सब अच्छी अच्छा दिखता है। तो टैपिंग का आज मैंने आपको बता दिया, और उस बंदे जिस व्यक्ति का मैसेज था उसका भी आंसर मिल गया, उसने कहा स्पेशल मेरे लिए वीडियो बना के भेजिए, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता, ये है। कल मैंने आपको दिखाया था जो शिव जी का मंदिर, उधर उस पहाड़ की बहुत सारी खासियत है, वहाँ बहुत सारे टेम्पल हैं, बहुत सारे, मैं आपको बताऊँगी। लेकिन एक चीज़ और अभी बताऊँ, वहाँ उसमें एक गुफा है, यहाँ पे हमारे लहर देवी है, लहरगढ़ जो मंदिर है वो बहुत फेमस है, वहाँ पे कहते हैं जो मूर्ति है सुबह उनका रूप अलग होता है एक बच्चे जैसा, दोपहर में एक अलग हो जाता है यौवन, और रात को एक अलग होता है,
भ्रौणावस्था वृद्धावस्था टाइप होता है। आप अगर सर्च मारेंगे तो भी या यहाँ के लोगों से जानेंगे लहर देवी लहरगीत देवी के बारे में तो भी आपको पता चलेगा। यहाँ की भी बहुत सारी खासियतें मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा बताऊंगी आपको। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।